कर्नाटक की जीत पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पोहरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कांग्रेसजन के साथ कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित होकर आतिशबाजी की एवं एक दूसरे का मुंह मीठा किया एवं खुशियां मनाई। वहीं कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने इस जीत को अलग ही तरह से मनाई। सभी कांग्रेसजनों ने पोहरी चौराहे पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराए। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आफाक अंसारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस को नहीं पूरे देश को खुशी है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तानाशाही की सरकार भाजपा कर रही है, पूरा देश की जनता देख रही है और निश्चित रूप से कर्नाटक ही नहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा का सुपड़ा साफ करके 2024 का रास्ता साफ करेंगे और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस अवसर पर आफाक अंसारी, ब्लॉक अध्यक्ष लखपत धाकड़, जिला महासचिव अरविंद धाकड़ दुल्हरा, अध्यक्ष जनपद संघ पोहरी द्वारिका धाकड़, शिव नंदन शाह के पार्षद बल्लू शर्मा, नीरज जैन, संजय पाल आदि कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, कर्नाटक की जीत पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पूरे देश की जनता को खुशी है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तानाशाही की सरकार भाजपा अपने द्वारा कर रही है और पूरा देश देख रहा है, पूरी देश की जनता देख रही है। आज देश की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने जो निर्णय किया है वह एक ऐतिहासिक है, अभूतपूर्ण है और उसका स्वागत कांग्रेस ही नहीं पूरा देश कर रहा है। और निश्चित रूप से कर्नाटक ही नहीं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, भाजपा का सुपड़ा साफ करके 2023 का रास्ता साफ, 2024 का रास्ता साफ करेंगे और केंद्र में भी और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित होने जा रही है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं।